इस वक्त ये जो लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं जो मीनाक्षी हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो विजुअल्स देख रहे हैं इससे बिल्कुल साफ है कि किस तरह आम आदमी पार्टी ने अब मन बना लिया है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, काफी आक्रामक रुख पार्टी कार्यकर्ताओं का, और दिल्ली पुलिस उन्हें बैरिकेड पर रोकने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन है। आपको याद होगा कि 19 साल की दिल्ली की बेटी मीनाक्षी की हत्या 35 बार चाकू से गोद कर दी गई थी। 20 मिनट तक मीनाक्षी को मारा जाता रहा, पीटा जाता रहा, बाल से पकड़कर घसीटा गया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बस एक पड़ोसी महिला ने उसकी कुछ हद तक मदद करने की कोशिश की। इस वक्त हमारे संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ है। अमित, ये विजुअल्स हम देख रहे हैं जहां बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस तैनात है और बैरिकेड के उस तरफ से दिल्ली मुख्यालय के अंदर घुसने की, बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, यहाँ पर ये प्रदर्शन है, ये यूथ विंग आम आदमी पार्टी का उसका ये प्रदर्शन है, और एक ही विरोध प्रदर्शन है इस घटना के लिए, दिखाने के लिए है। हालांकि अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। ये एक तरीके से कुछ दिनों पहले कल जब अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा था कि दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला साधा था, तो उसी के अपनी पार्टी लाइन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन को हमें जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि आज ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली पुलिस के खिलाफ वो कर रहे हैं और इसको एक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी एक आरोप लगा रही है अमित, और वो ये कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहेंगे, उस पर हमले करते रहेंगे, तो उससे जो अपराधी है उनका मनोबल बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बीजेपी का ये अपना ये मत है इनका, क्योंकि जो भी दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की लगातार जब भी कोई घटना होती है तो केंद्र सरकार है दिल्ली पुलिस के पद छोड़ देती है, और वही जो भाजपा है, भाजपा यहाँ पर ये इनके ऊपर कहती है कि मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस के साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा प्रकरण हो, प्रकृति चाहे मीनाक्षी की घटना हो, चाहे उससे पहले कोई भी घटना हो, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लगातार हमें देखने को मिला है और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। या यूं हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुद्दा हथियाने की कोशिश की जा रही है, और इन सब के बीच एक चीज ये है जी, हमारे साथ ही रहे, सुनते हैं पुलिस इस वक्त क्या अपील कर रही है। ट्रैफिक जाम न करें, लोगों को, आम आदमी को परेशानी हो रही है। तो आपने अभी सुना कि पुलिस अपील कर रही है कि प्रदर्शन ना करें, आम लोगों को परेशानियां हो रही है, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त काफी आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। अमित, ये बताएं, क्या ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, उसकी मांगे क्या हैं? महिलाओं को सुरक्षा है, मोटे मोटे तौर पर उनकी ये मांग है, लेकिन अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट या अगर हम एक बड़े बड़े कैनवस पर इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि जो भी छोटी मोटी घटना हो रही है आम आदमी पार्टी उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, और जो भी सरकार की तरफ से फेलियर होता है उसको प्रदेश भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है, तो एक मुद्दों को हटाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाजपेयी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। दीपक, हम अभी ये विजुअल्स देख रहे हैं जहां आपके यूथ विंग के जो प्रोटेस्टर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं दिल्ली पुलिस के, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं आप? देखिए,
सर जो हमारे प्रोटेस्ट का मकसद है वो बड़ा क्लियर है। एक्चुअली स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। अगर आप पिछले 5-6 दिन के घटनाक्रम पे नजर डालें तो पहले हमने टेलीविजन चैनल्स पे विजुअल्स देखे जहां पर एक एएसआई बंदूक की नोक पर एक डोमेस्टिक हेल्प को रेज कर रहा है। इसके बाद परसों नवभारत टाइम्स में खबर छपी कि एक स्टूडेंट जो एडमिशन लेने दिल्ली आई थी उसका एक पुलिसकर्मी ने रेप किया और उसको ब्लैकमेल किया, उसका एमएमएस बनाया। इसके बाद खबर आई कि एक पुलिस वाले ने अपनी ही सहयोगी को रेप किया और उसकी कजिन को रेप किया। और अब ये मामला सामने आया है जहां पर पुलिस को कंप्लेंट एक बच्ची ने दी हरासमेंट की। पुलिस उस कंप्लेंट पे बैठी रही एंड शी वॉज ब्रूटली किल्ड। उसको 35 बार स्टैब किया गया गली में फुल पब्लिक व्यू में। तो ये बताता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तौर पे कैजुअल है, इसको प्रायोरिटी एरिया में नहीं रखा जा रहा है। हमने महिला सुरक्षा के लिए हमारे 4000 होमगार्ड मांगे थे, उनको देने में 4 महीने से ज्यादा का समय लिया केंद्र सरकार ने। तो हमारी मांग ये है कि अगर केंद्र सरकार सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो आप इसको प्रायोरिटी नंबर 1 बनाएं अपनी गवर्नेंस का। इसको लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स ना करें। हमारी हम महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और हम चाहते हैं कि संवेदनशीलता का वही स्तर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस में दिखाई दे। किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज महिला सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाजपेयी हमारे साथ ही रहिएगा। इस समय बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आप भी ये विजुअल्स देख रहे होंगे और अभी आप दीपक वाजपेयी जी को सुन भी रहे होंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त? दिल्ली पुलिस, मैं आपको बता दूं, अपडेट दे दूं कि लगातार अपील कर रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर्स जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हट जाएं क्योंकि आम लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि ये जो घटना हुई है अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है। एक लड़की जिसने हिम्मत की अपने छेड़छाड़ करने वालों से विरोध करने का, उसके साथ एक घटना घटी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आप ये देखें, पिछले 5 महीने में दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और पिछले 5 महीने में दिल्ली में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? वही दिल्ली पुलिस है, वही पुलिस कमिश्नर है, वही फंक्शनिंग है। केवल एक परिवर्तन हुआ दिल्ली में कि 5 महीने पहले एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरीके की बदमाश है, जो गांव मोहल्ले के चोर सबके हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन लिया है तो उनको पुलिस को पीटने का, पुलिस को कुछ। अभी आपको याद है 4-5 दिन पहले गोकुलपुरी में 2-3 लोगों ने हेलमेट न पहनने पर चालान कटने पर पुलिस वालों को पीटा, वो भी आम आदमी पार्टी के लोग निकले। नजफगढ़ में जो कांड हुआ उसमें भी वो आम आदमी पार्टी के लड़के निकले। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की और स्वराज वाली टोपी एक तरीके से कानून तोड़ने का हथियार बनती जा रही है। ये दुखद बात है और मुझे लगता है कि इस आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल जी को कम से कम दिल्ली को बंगाल नहीं बनने देना चाहिए, दिल्ली को दिल्ली बने रहने थे। ये उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं जैसे बंगाल में आदमी गोली टोपी पहन लेते हैं, राहुल जो स्कल कैप है उसके बाद वो कुछ भी काम करने के लिए। दीपक, ये गंभीर आरोप है। दीपक, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, जो बातें अश्विनी भाई ने कही हैं उस पर मुझे लगता है कि मैं तो कोई जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। इस तरह के वाइल्ड एलिगेशन, इस तरह का मेरा कोई साहस नहीं है इस तरह की राजनीतिक लड़ाई, इस तरह की दुखद घटना और इस तरह कानून व्यवस्था के पक्ष में, महिला सुरक्षा के पक्ष में इतनी गंदी राजनीति में मैं शामिल नहीं हो सकता, मुझे माफ करें। नहीं दीपक जी, एक मिनट, अश्विनी कुछ कहना चाह रही है, ध्यान से सुनिएगा। अश्विनी जी ने कह दिया, मैंने सुन लिया सर, मेरी हिम्मत नहीं है इस नहीं दीपक जी एक चीज में आपसे अच्छा अश्विनी जी से बात बात कीजिए दीपक जी मैं अश्विनी से बात नहीं करें चाहे, लेकिन एक सवाल का जवाब से चाहूंगा कि अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस पर सीधे आरोप लगाने लगे तो क्या इसका फायदा कुछ ऐसे लोग नहीं उठा सकते जो क्रिमिनल माइंडेड हो? सर मैंने आपको 3 या 4 घटनाएं बताई और तीनों चारों घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। कानून व्यवस्था पर कोई किसी की जवाबदेही होनी चाहिए, हम उस जवाबदेही तक सीमित हैं। किसी तरह के पर्सनल अटैक, कनाड, झूठ और गंदी राजनीति, ये नहीं करने के लिए हम लोग सब अपना करियर छोड़ के यहाँ पे नहीं आए। जो लोग ये कर रहे हैं उनको मुबारक, उनसे हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते इस तरह के झूठ और गंदी राजनीति। अरे भाई जी, कुछ कहना चाह रहे जी? मैं यही कह रहा हूँ ना, आप अब कल परसों का मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखें और ऐसे एक मुख्यमंत्री जो बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस पीएम के अंडर में है
अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इतना भी नहीं पता कि पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती, होम मिनिस्टर के अंडर में आती, पीएम के अंडर में नहीं आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका इरादा, आप संतोष कोहली से शुरू करिए, संतोष कोहली की जब हत्या हुई थी तो यही मुख्यमंत्री सर, मेरा मेरा अपना और टेलीविजन का संतोष कोहली ना करें, संतोष कोहली तो बहुत ही दुखद है, इस तरह की गंदी राजनीति नहीं है। संतोष कोहली ने केजरीवाल जी ने बोला इसको बीजेपी कांग्रेस के गुंडों ने मारा, और हाँ हालत यह है कि संतोष कोहली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये लोग दबा के बैठे हुए हैं। संतोष कोहली की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहते? अच्छा, संतोष कोहली अच्छा, दीपक थोड़ा सा आप ये स्पष्ट कर दे, दीपक मेरे ख्याल से आप जवाब तो देने के मूड में नहीं होंगे, लेकिन क्या आप जवाब देना चाहते हैं या मैं कुछ दूसरा सवाल पूछूं? नहीं 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 बिल्कुल, ठीक है, एक चीज आपसे रुक जाना चाहता हूं दीपक, कि आपने आम आदमी पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया है दीपक, ये कब तक जारी रहेगा? क्या ऐसे प्रदर्शन और भी करने का इरादा है आम आदमी पार्टी का? देखिए हमारा केवल इशू एक है, इसमें हमारा केवल एक इशू है कि महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्रायोरिटी नंबर वन होनी चाहिए, जिनके भी जिम्मे चाहे। अरे भैया आपने कितने कैमरे लगा दिए पहले ये बताइए ना, आपने कितने कैमरे बोलने देंगे? मैं आपसे कोई मुकाबला करने योग्य हूँ ही नहीं, अगर मुझे जनरल बुलाए मुझे उनके सवाल। दीपक भाई आपके पास 67 विधायक है, जिस जिस विधानसभा में घटना हुई है आपका विधायक है, मैं आपका विधायक, आपके विधायक की भाषा में, आपकी शैली में, आपके विधायक को 3 दिन तक पता ही नहीं चला कि इस तरीके का वहाँ पे हत्या हो चुकी है। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? इस तरह के संवाद में मेरी रुचि नहीं है। आपके विधायक को ये नहीं बताया कि उस लड़की को इतनी तरीके से मारा गया है? आपका विधायक आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। इस बीच ये प्रदर्शन जारी है, आप देख रहे हैं IBN 7, और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के ठीक बाहर, जहां आम आदमी पार्टी का यूथ विंग इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है, और लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है। आम आदमी पार्टी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो ये कि मीनाक्षी हत्याकांड पर समय रहते दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। और हमारे संवाददाता अमित पांडे इस वक्त वहीं पर है। अमित, दिल्ली का जो सीरियल रेपिस्ट है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे शुरू होने वाली थी, तकरीबन 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीले हुई है आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन के कारण? और थोड़ा आप कैमरे से बताएं इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां तक सवाल है सीरियल रेपिस के मुद्दे पर थोड़ी देर बाद होगी, वो तो बात की बात है। यहां पर फिलहाल हम आपको नजारा यहां पर दिखाना चाह रहे हैं कि ये आपके यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर लगातार यहां पर प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं, और ये यहाँ पर सड़कों पर यहाँ पर उतर आए हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ इनका प्रदर्शन है। लोग हमारे साथ है, विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास आप बताइए, यूथ विंग का प्रदर्शन है, किस मुद्दों को लेकर आप उतरे सड़कों पर? एक 19 साल की लड़की को दिल्ली के भीड़ भरे इलाके में 35 बार चाकू गोद कर मार दिया जाता है, तो ये दिल्ली की कानून व्यवस्था है। हम बस्सी जी से पूछने आए हैं, निर्भया कांड के बाद बस्सी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है, जो आज भी दिल्ली की दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी सड़कों पर इतनी दर्दनाक घटना होती है? बस्सी जी बता दें हमें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने 3-4 साल में क्या किया है? हम मोदी जी से भी एक डिमांड करना चाहते हैं। मोदी जी अपने विदेशी दौरों में बिजी रहते हैं, वो शायद दिल्ली के दिल्ली के कानून को नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अपने पास से दिल्ली पुलिस को छोड़ दें, दिल्ली सरकार के हवाले कर दें, हम महिलाओं की सुरक्षा इंश्योर कर देंगे। तो एक तरीके से ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ है यहाँ पर इनका ये गुस्सा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आकाश यहाँ पर जमा हुआ है। बहुत अहम चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। ये अगर 1.5 से 2-3 साल पहले अगर ये प्रदर्शन की याद दिलाएं तो ये कमोबेश वही याद ताजा कर देता है। ये इनके आंदोलन की राजनीति का चरित्र, और ये कमोबेश जो मीनाक्षी की पूरी घटना हुई थी आकाश, उसको आम आदमी पार्टी एक पूरा का पूरा एक मुद्दा यहाँ पर बनाना चाहती है। और जैसा कि हमारी ये बात हो रही थी कि मुद्दे हड़पने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर इस मुद्दे को, मीनाक्षी के प्रकरण को यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर कैनन यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर किया है, और यहाँ पर वाटर कैनन पुलिस ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और हम शायद हमारे ऊपर भी आए, हम भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनको उन पर काबू पाने के लिए, अगर आपको तस्वीरें दिख रही हैं तो आप हमें रिस्पॉन्ड करिए आकाश,
यहाँ पर बहुत ही मुश्किल पुलिस ने यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए वाटर कैनन यहाँ पर यूज किया है और यहाँ पर लोग लगातार यहाँ पर बरसात हो रही है, तो एक तरीके के कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन के यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कमोवेश कहीं ना कहीं एक ये जो प्रदर्शन है, आंदोलनकारी हैं, उनका जो रुख है ये थोड़ा सा उग्र होता जा रहा है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से ये कंट्रोल होने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ये काबू में होने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप ये यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर काबू करने की कोशिश कर रही है पुलिस, ये कवायद है पुलिस की। और यही नज़ारा इसी तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर करती आई है, करती रही है और इसको मुद्दा बनाने की पूरी यहाँ पर कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। सही होगा कि इनकी प्रमुख मांग ये है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दें, यानी कि एक तरह से आम आदमी पार्टी ने मन बना लिया है कि इसको अब राजनीतिक मुद्दा पूरी तरह से बनाकर इसे एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है। अमूमन अगर प्रदर्शनों का अगर हम इतिहास देखें आकाश, यहाँ पर प्रदर्शन होते हैं जंतर मंतर पर, प्रदर्शन होते हैं राजपथ पर, प्रदर्शन होते हैं पार्लियामेंट के आसपास, प्रदर्शन होते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के आसपास, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर के सामने शायद ही प्रदर्शन कोई करता हो। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस को यहाँ पर सीधे टकराव लिया है, इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और एक आम आदमी पार्टी की यूथ विंग है उन्होंने यहाँ पर किया है। कहने को तो यूथ विंग है, लेकिन तमाम यहाँ पर इनके जितने नेता हैं यहाँ पर ये मौजूद है, अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा दी है और एक तरीके के इस प्रकरण को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और आकाश एक बहुत अहम चीज़ और है, अभी हमारे जहन में ये आई कि अब से कुछ एक दो महीने बाद यहाँ पर दूसरी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें भी अपनी जो यूथ विंग के जरिए एक पुख्ता उपस्थिति दर्ज कराने की कवायद में जुटी हुई आम आदमी पार्टी। तो ये प्रदर्शन कमोवेश यूथ को कनेक्ट करने के लिए उससे एक शुरुआत भर है हम कह सकते हैं, हालांकि कोई कंक्लूजन नहीं है। और ये पूरा का पूरा इनका जो ये प्रदर्शन है ये लगातार यहाँ पर ये जारी है, और इतना तय जरूर है कि इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस को घेर कर एक अहम मुद्दा ये बना दिया है आम आदमी पार्टी ने। अमित ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि मीनाक्षी की जो माँ है वो IBN 7 पर लाइव बोल रही थी कि दो दिन तक किसी भी पार्टी का, और मैं जोर देकर कहूंगा ना आम आदमी पार्टी का, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का नेता उनके घर पहुंचाई उन्होंने कहा। और तीसरे दिन फिर अचानक अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे और मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे, और उसके एक दिन पहले जब IBN 7 पर हम डिबेट कर रहे थे तो कोई भी उस डिबेट में मीनाक्षी हत्याकांड पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से नहीं आया। और अब अचानक ये फैसला हो गया है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और दिल्ली पुलिस का विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर देखिए पार्टी मुखिया का अगर यहाँ पर कमांड हो, अगर पार्टी मुखिया का निर्देश हो, तो इस तरीके उनके जो कैडर होते हैं, उनका जो काडर होता है, इस तरीके का प्रदर्शन देखना लाजमी है। तो ये पार्टी काडर है, केजरीवाल का पार्टी काडर है जो यहाँ पर ये फॉलो कर रहे हैं, और उनको ये निर्देश मिला हुआ है पार्टी कार्यकर्ता को इस तरीके का प्रदर्शन करने। परसों जब हमने ये खबर चली थी तब यहाँ पर पूरे दिन भर ये खबर चली थी, किसी को भी यहाँ पर वक्त नहीं मिला था किसी भी पार्टी के नेता को कि मीनाक्षी के घर जाए और वहाँ पर उनको सहानुभूति यहाँ पर उनसे ले। यहाँ तक कि जब अंतिम संस्कार करना था मीनाक्षी का, तब भी कोई भी नेता यहाँ पर न तो आम आदमी पार्टी का, न बीजेपी का, न कांग्रेस का पहुँचा था। और अब कल इसको जैसे ही केजरीवाल वहाँ पर जाते हैं उसके बाद ये पूरी की पूरी ये कवायद ये शुरू होती है। तो ये प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी का, ये प्रदर्शन है दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन है, और एक अहम मुद्दा बनाने की पूरी एक कवायद है। पर दोनों तरफ से राजनीति हो रही है इसमें कोई शक नहीं। अमित पांडे वहीं रहे, छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन इन्हीं विजुअल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और बैरिकेड से आगे बढ़कर
कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के आगे बढ़ने की।